गाइस शुभ सप्तमी। अब जाके 6:30 बजे जाके मैं फ्री हुई हूँ। अभी अभी मेरा सप्तमी शुरू हुआ है। एक्चुअली सुबह से ना ऐसे जगह से उठने का भी वक्त नहीं था, इतना ज़्यादा काम आ गया है। मुझे छुट्टी भी नहीं मिली है इस कारण, क्योंकि इतना ज़्यादा काम है, क्या करें, यही लाइफ है। कल भी बोला था आपको, तो अभी जाके मैं 6:30 बजे थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी। मैंने वही वाला ड्रेस पहना है, आपने देखा होगा ये ड्रेस मिताली के साथ जो हमने पैक लगाया था उसमें मैंने डाला था। और बालों को तो बाल तो सही था मेरा, बालों को जस्ट थोड़ा सा यहाँ से वहाँ कर दिया मेरे बाल को, और कुछ नहीं करना होता है, ऐसी है। अब थोड़ा सा बस मेकअप करूँगी, जस्ट मतलब लिपस्टिक और लाइनर, और उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। और कल कल के स्पेशल आ रही है, कौन गेस करके बताना कमेंट सेक्शन में, जो बता सकता है ना उसका नाम मैं पिन कर दूँगी, ठीक है। तो चलो मैं अभी जाती हूँ, अच्छा रेडी होती हूँ, मैं दिखाऊंगी क्या 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 मेकअप करूँगी। सो छोटा भाई बहुत डांट लगा रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, उसे ना ये सब करना पसंद नहीं है। ऑब्वियसली मार्क्स के नीचे लिपस्टिक तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन ये खुद के तसल्ली के लिए थोड़ा सा आईब्रो को भी टेंशन करो। इसने मार्क्स ऐसे मुझे मेरे छोटे भाई ने 2 मिनट भी नहीं दिया रेडी होने। से देखो किसको पूजा देखने जाना है, कोला को कोलो है कोई ना खाए ना खाए ना हे अंगूठ अंगूठ आश और ये हो इस बार सप्तमी के दिन मैं और छोटा भाई निकल पड़े हैं दुर्गा पूजा दर्शन के लिए। तो हमारा जो पहला पंडाल है ये टेरलाबाद में है। यहाँ पे 2019 में भी मैं आई थी। ऑन द वे टू टेरलाबाद पंडाल बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा नहीं है तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई, मतलब दोनों साइड पर समुंदर और बीच में जो रोड है और ऊपर से बहुत अच्छी लाइटिंग भी। यहाँ पर प्रसाद में दिया गया था लेमन राइस एंड नारियल चटनी, थोड़ा सा यूनिक है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड हम जब वहाँ पे गए थे तो बारिश शुरू हो गई थी, तो अलग ही एक माहौल बन गया था। और यहाँ पे पूजा बहुत अच्छा होता है। तो ये देखें यहाँ का दुर्गा माँ, यहाँ पे भी छोटे छोटे मूर्तियाँ बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा जो दर्शन हुआ था वो हुआ था स्कूल लाइन पंडाल में। यहाँ पर बहुत अच्छी लाइटिंग होती है हर साल, और साथ में यहाँ पर बहुत अच्छे से पूजा भी होती है। ये पंडाल के आसपास मेनली सारे बिजनेसमैन जैसे उड साथ में स्टील फैक्ट्री ये सब बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग भी मिलकर यहाँ पर पूजा करते हैं। और यहाँ पे हर साल ही पूजा होती है एंड इसी पंडाल में एक्चुअली बंगाली रीति रिवाज से। इस बार हर साल के जैसा सप्तमी में इतना ज़्यादा रौनक नहीं लगी थी कोटवेयर में, और जैसे कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बोला कि इस बार पूजा थोड़ा कम हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको जो पूजा दिखा रही हूँ ये है रामकृष्ण मिशन कोटवेयर का ही, और इस जगह का पूजा का मैं वीडियो अष्टमी के दिन की बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। अब जो मैं पंडाल आपको दिखा रही हूँ ये है धनी खाड़ी का, और ये एरिया का पूजा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आपको अपकमिंग कुछ ही वीडियो में पता चलेगा ये एरिया में से ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही सुंदर यहाँ का पूजा होता है। यहाँ का एक अलग ही वाइब है, एकदम 55 जैसे कहते हैं। और साथ में जितने भी मेरे फ्रेंड्स ने ये पंडाल विजिट किया उन्होंने सब ने बोला कि यहाँ का जो डेकोरेशन है उसमें एक अलग चार्म है। पीछे आप देख सकते हो पेस्टल ग्रीन कलर का हाथ से ही एक्चुअली कपड़े से ही डेकोरेशन किया गया है, और बहुत अच्छा उसका वाइब्स एक्चुअली आ रहा था। नेक्स्ट मैं आपको जो पूजा दिखा रही हूँ ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर रही हूँ। ये है जंगली घाट पंडाल का जो कि हमारे घर के पास में है। यहाँ पे भी छोटा इस बार दुर्गा माँ का मूर्ति बनाया गया था, और साइड पे उसके बिग पैटर्न पे डेकोरेशन किया गया था, बहुत ही सिंपल था एंड बहुत ही खूबसूरत। नेक्स्ट केरला समागम, ये भी मैं आपको सृष्टि के वीडियो में दिखाई थी, तो ये वही वीडियो है, मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रही हूँ ताकि एक साथ आपको पता चल जाए। अंडमान में यहाँ आप अगर कोई भी पंडाल में जाते हो तो आपको प्रसाद दिया जाता है, और ये मैं पिछले अंडमान में इसलिए बोली कि मैंने बाहर में जितने जगह मैं गई मेनलैंड में दुर्गा पूजा में मैंने नहीं देखा।
केरला समाज में एक हॉल बनाया गया है, उसके पास में एक्चुअली पूजा होता है, ये भी हर साल है। नेक्स्ट जो पंडाल है ये दिलानीपुर का पंडाल है, दिलानीपुर के चौक के वहाँ पे ग्राउंड जैसा है वहीं पर पूजा होती है। और यहाँ पर दुर्गा माँ का जो मूर्ति है ये काफ़ी छोटी बनाई गई थी, इस पर मोस्टली जितना भी पंडाल है वहाँ पर बहुत छोटा छोटा मूर्ति बनाए गए थे, एक्सेप्ट फ्यू बंगाली क्लब का मैं देख नहीं पाई, सो आई रियली कैन नॉट कमेंट। तो ये हम जहाँ पे आए हैं ये है फूड कोर्ट के पास, एंड आज के दिन के लिए यही हमारा पूजा परिक्रमा खत्म होती है। उसके बाद हम चले गए थे फुचका खाने, बहुत दिनों के बाद एक्चुअली ये दिल्ली फुचका वाले के लिए आए थे मेलाइन से, और फुचका का नाम सुनते ही कितने जनों के मुँह से ढाल टिपक रहा है प्लीज मुझे बताना। फुचका इज मतलब लव यार, और जिनको भी फुचका पसंद है वो लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक हर्ट दे दे ताकि मैं फुचका लवर को काउंट कर पाऊँ। तो यही आज का दिन का शब्द नहीं खत्म होती है मेरे। देख 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 जलन खोर रहे थे। ओह ओह इनको ला ना ना मारे ना उड़े ओ भालो ऐ ऐ मारे ना मारे ना कोला कोला। तो कोला आजकल बहुत ज्यादा बदमाश हो गई है, उसे हर टाइम अगर छोटे भाई और मैं कहीं पे जाते हैं उसको जाना होता है, तो यही पे उसका वही चल रहा है। और आजकल बहुत ज्यादा जेलस भी हो गई है। उसकी एक दोस्त है जिसको हम शेरू बुलाते हैं, तो शेरू को अगर कोई भी प्यार करता है तो उसको उसको जलन हो जाता है ना, उसे वो काट देती है, साथ में हमें भी काट देती है। तो यहीं पे हम लोग उसको बोल सोच रहे थे कि उसको लेकर जाएंगे, लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी इस वक्त क्योंकि शेरू वहाँ पे पहुँच जाता है। तो सप्तमी तो ख़त्म हो गया, मैं आपको एक छोटा सा हेयर स्टाइल दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मुझे किसी ने पूछा है तो किसी किसी के लिए ये है। तो मैंने पहले एक बार शूट किया था तो मैं बहुत अच्छे से बता नहीं पाई, तो मैंने नेक्स्ट एक बार रीटेक किया है, तो नेक्स्ट रीटेक में मैं आपको बताती हूँ। तो आपको एक रबर बैंड ले लेना है, एंड आपको आपका पूरे बाल को एकदम आपके फोरहेड के पास लेकर आना है, मतलब जो आपका पोनी टेल है ना इसको आपको सामने ले आना है ऐसे, एंड देन आपको एक टेलीफोन रबर बैंड को डबल या फिर ट्रिपल भी आप कर सकते हो रैप कर दीजिए, एंड जब रैप करेंगे लास्ट वाला पोर्शन को आप पोनीटेल के अंदर ना डालें, जस्ट मतलब बाहर से एक्सटेंड कर दें जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, एंड यहाँ पे आप अपने अच्छे अच्छे एक्सेसरीज से आप इसको सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर्लिंग का हेयर स्कार्फ से इसको सजाया है, ठीक है। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, कल मैं आपको मिलती हूँ विथ अष्टमी ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर माई लवली फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।